हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट। स्वागत है सभी का। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर ऑफ 22 मई। तो हम लोग 22 मई के करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और सबसे खास बात कि अब मैं हमेशा आपको इंडेक्स में बता दिया करूँगा, एंड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जो है आपको, एक तो 22 मई के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, यहाँ पर आई वॉन्ट टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज आर नॉट ओनली करंट अफेयर। इफ यू आर गोइंग थ्रू एज करंट अफेयर ओनली, नो, बेसिकली आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यू द कोर कॉन्सेप्ट एज वेल। दैट इज वाई इट इज टाइम टेकिंग, बट आई ट्राई टू सम अप दिस लेक्चर विद इन 45 मिनट्स, सो दैट आपका जो शेड्यूल है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। बट मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है? सो यस, इट इज़ परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले देखिए पार्डनिंग पावर। आपको पता है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है, गवर्नर की भी होती है। अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्यों क्रैश हुआ? चाइना के कारण। उसने क्या किया? और साथ ही साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ई वे बिल इंटीग्रेट विद फास्टैग। तो वन सेकेंड, यस, ई वे बिल इंटीग्रेट विद फास्टैग, RFID। फास्टैग आपको पता है 15 फरवरी से भारत ने पूरे देश में जो है, यदि किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो उस पर जुर्माना लिया जाएगा, दे विल बी फाइंड। सो RFID क्या होता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये फास्टैग RFID ही होती हैं, उसी पर काम करती हैं। पार्सल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, साउथ चाइना सी में क्या विवाद चल रहा है उस पर बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। ये नासा का मिशन है। अभी हमारे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत बहुत अच्छा एक रिसर्च किया है इस डायमेंशन में। आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, हमने जो जिस तरह से पेंडेमिक को टैकल किया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही तंत्र है, उसमें जो स्पेशलाइज्ड होने चाहिए थे, बट जनरलाइज जो है, जनरलिस्ट ज़्यादा हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, है ना? बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी करने वाले हैं। फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल, ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी कवर होंगे। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी चर्चा में क्यों रहा? आपने सुना होगा सांगरी लॉ डायलॉग, आपने रायसीना डायलॉग भी सुना होगा, ये सांगरी पर ही बेस्ड है। और ये जो सांगरी लॉ डायलॉग है, 28 अलग अलग देशों में होती है, एशिया पैसिफिक रीजन। सो ये सिंगापुर के द्वारा करवाई जाती है। वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। अभी आप अपना टेस्ट स्वयं कर सकते हैं MyLab द्वारा, कोवी सेल्फ, और ये रैट पर आधारित होगा। व्हाट इज रैट? रैपिड एंटीजन टेस्ट। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन आरटीपीसीआर बेस्ड नहीं है, पूरी बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले ब्लैक फंगस थी, माइकोर म्यूकोसिस, नाउ इट इज व्हाइट फंगस। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक फंगस, वील सी इन द डिटेल। एंड कॉर्प्स फ्लावर क्या है इंडोनेशिया में। तो इस तरह से दीज 13 आर्टिकल्स प्लस 2 MCQs वी विल डिस्कस वेरी क्विकली, सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट आई कैन कवर हेयर, राइट? चलिए, तो सबसे पहले बात आ रही है, आपको पता होगा प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, क्षमादान की क्षमता है, आर्टिकल 72 में आता है, है ना? आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 161 के अंदर क्या आता है? जो गवर्नर के पास जो है पार्डनिंग पावर है। लेकिन राष्ट्रपति और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में एक छोटा सा अंतर यह है कि जो डेथ सेंटेंस होता है, लाइक डेथ सेंटेंस मीन्स मृत्यु दंड जो दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट, दैट कैन नॉट बी removed by governor, but president have that power. So why it is in news? Because आपने सुना होगा Tamil Nadu, there is new elected chief minister, that is, he is Joseph Stalin. और उन्होंने क्या बोला है, देखिए, Tamil Nadu chief minister has written to the president requesting him to accept the state governments to remit the life sentences का मतलब पूरा जीवन भर उनको जेल में रहना है, लाइफ सेंटेंस टू
सेवन कन्विक्ट्स इन एक्स पी एम एसेसिनेशन केस, आपको पता होगा एल टी टी ई, जिन्हें हम लोग सामान्य भाषा में लिट्टे कहते हैं, एल टी टी ई, है ना। लिट्टे के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया था, सिन्हलीज और तमिलियंस के बीच में जो विवाद था, और राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद सेवन कन्विक्ट्स बार बार रिक्वेस्ट लगती है इनके पार्डनिंग की। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड द स्टेट गवर्नर, देखिए स्टेट गवर्नर के पास बिल की पावर होती है, और वो क्या करता है, वो आगे बिल को पहुंचाता है, और फाइनली जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। प्रेसिडेंट तभी किसी को, किसी भी कैपिटल पनिशमेंट को, एनी पनिशमेंट को रेमिट कर सकता है, पार्डन कर सकता है, जब जो है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि ऐसा बोले तो। सो प्रेसिडेंट डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट पावर इन दिस, इज इट क्लियर। सो इसलिए क्या है, यहां पर पार्डन की एक रिक्वेस्ट गई है प्रेसिडेंट के पास, इसलिए चर्चा में था। सो व्हाई नीड ऑफ पार्डन, व्हाइल जुडिशरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, व्हाई द नीड ऑफ पार्डन, बिकॉज देखिए ऐसा नहीं है कि इफ एनी पर्सन किल्स टू समवन बट ही मस्ट गिव टाइम टू एक्सेप्ट द गिल्ट एंड इन फ्यूचर ही मे लिव पीसफुल लाइफ एंड दैट इज व्हाई वी शुड गिव पार्डन। सो समटाइम देर इज रॉन्ग डिसीजन, देर इज लैकिंग ऑफ एविडेंसेज, एंड दैट इज व्हाई दे वेंट इन टू दिस होल लॉन्ग पीरियड ऑफ इन जेल, है ना, बिकॉज ऑफ द क्राइम। सो पेड देयर डेब्ट टू सोसाइटी, तो उनका अपना एक काम है कि वो सोसाइटी को पे करें, कुछ अच्छे लोग बन जाते हैं बाद में, दिस टाइप ऑफ, है ना, कई बार अ फ्लॉड जुडिशियल प्रोसेस टू फ्री समवन, कई बार क्या होता है कि जुडिशियल प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ पर 72 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, है ना, कैपिटल पनिशमेंट को भी पूरी तरह से हटाने की क्षमता है, वहीं गवर्नर की 161 की, राइट 161, ये दोनों पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने। अब मैं आपको ब्रीफ में बात करूंगा कि जो आर्टिकल 72 है ना, उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स है, यहां पर कॉन्सेप्ट भी जुड़ेगा, नॉट ओनली करंट अफेयर, आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट एज वेल, दैट इज व्हाई दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई दीज क्लासेस आर टेकिंग टाइम, बट इफ यू विल पेइंग टाइम प्रॉपरली, डेफिनेटली यू विल बी फार मोर अहेड टू अदर्स, है ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे। सो पार्डनिंग मीन्स क्या है कि कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देना पर्सन को, है ना, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी की हो उसके, है ना, कंप्लीटली लेटिंग हिम गो फ्री, ये है पार्डन। व्हाट इज कम्यूटेशन, व्हाट इज कम्यूटेशन मींस चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट, जैसे किसी का को कैपिटल पनिशमेंट मिला है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, राइट, कैपिटल पनिशमेंट था, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, ये कम्यूटेशन, दिस इज कम्यूटेशन। तो वन इज पार्डन, सेकेंड वन इज कम्यूटेशन, थर्ड इज रिप्राइव। वॉट इज रिप्राइव मीन्स टू डिले, मीन्स अ डिले अलाउड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस, यूजुअली अ डेथ सेंटेंस, कई बार क्या होता है थोड़ा समय और दे दिया जाता है डेथ सेंटेंस के लिए, है ना, तो वो क्या है, रिप्राइव कर देना। एंड प्रेसिडेंशियल पार्डन एंड सम अदर लीगल रेमेडी टू प्रूव हिज इनोसेंस, तो कई बार थोड़ा समय देकर हो सकता है अभी भी कुछ प्रूफ करने को बाकी रह गया हो, तो रिप्राइव, दिस इज थर्ड पॉइंट, रिप्राइव। फोर्थ इज रेस्पाइट, मींस रिड्यूसिंग द क्वांटम एंड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, व्हाई, बिकॉज इफ शी इज फीमेल, प्रेगनेंसी या मेंटल कंडीशन इज नॉट गुड, दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ पार्डन, लाइक उन्हें जो है हार्ड वर्क के साथ साथ जेल दिया गया तो उसे रोक देना, है ना, बामुशक्कत, बामुशक्कत का मतलब उन्हें पूरे जिंदगी भर जो है मेहनत करनी होगी, तो वो रेस्पाइट हुआ, राइट, एस्पेशली केसेस क्लियर है। और जोसेफ स्टालिन गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने रेमिशन की मांग की है, है ना, रेमिशन की मांग की है, देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर शायद स्टार्टिंग में मेंशन किया, दे वांट व्हाट, रिक्वेस्टिंग टू एक्सेप्ट द रेमिशन, रेमिट करना, राइट, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड, सो रेमिशन का मतलब क्या है,
मीन्स चेंजिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर. मतलब वॉट एवर इज प्रोवाइडेड, लाइक इफ इट इज 20 ईयर्स, 20 साल का यदि आपको दिया गया, मतलब किसी एनी पर्सन को क्राइम के लिए 20 साल का जो है जेल कमिट किया गया, वर्डिक्ट आया, तो उसको 10 ईयर कर देना, 7 ईयर है उसको 3 ईयर कर देना. दिस इज वॉट. सो एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग द 20 ईयर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट टू 10, बट द रिग्रेस इंप्रिजनमेंट विल बी रिग्रेस, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क. इज इट क्लियर? तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट द आर्टिकल 72. एंड गवर्नर हैव 161, एवरीथिंग ही हैज टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड. बट प्रेसिडेंट कैन नॉट ग्रांट पार्डन टू ए पर्सन अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस. जिसको डेथ सेंटेंस मिला है उसको पार्डन करने का हक किसके पास नहीं है? इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ इन द पावर ऑफ गवर्नर. ठीक है. सो आई थिंक आपको ये सारी बात एकदम क्लियर हो गई होंगी. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है. ये पॉइंट याद रखेंगे, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सजेशन आता है. दिस इज नॉट बीन डिस्कस्ड बाय, और ये चीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस नहीं की गई, लेकिन अब प्रैक्टिकल बन चुकी है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यदि रिकमेंड करते कि यस, कि भाई उन 7 कॉन्विक्ट्स को जो है रेमिट कर दीजिए, उनका जो 20 ईयर्स है उसको 10 ईयर्स कर दीजिए, है ना. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मैं मेंशन करना चाहता हूं कि रिसेंटली व्हाट वी हैड सीन, एपुरु सुधाकर केस. यहां पर एक स्मॉल विंडो, प्रीवियसली देर वॉज नो जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कि भाई राष्ट्रपति ने किस आधार पर दिया है, या ज्यादा फेवर तो नहीं कर दिया क्योंकि पॉलिटिकल एलिनिएज होता है कई बार. तो यहां पर एक स्मॉल विंडो दी है पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि भाई यहां पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. तो ये बात आपको एक याद रखनी, ठीक है. चलिए, तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर. सेकेंड आती है बात, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश. पिछले दिनों में बिटकॉइन जो बहुत बेसिक से स्टार्ट हुआ था, कुछ ही साल पहले 15 लाख तक था, 60 लाख तक एक बिटकॉइन की वैल्यू पहुंच गई थी, 60 लाख रुपए. और अचानक से इन अ सिंगल डे अकेले बिटकॉइन में 60 लाख से सीधा 30 लाख के आसपास आ गया विद इन अ सिंगल डे. तो इतना बड़ा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पिछले दिनों में चाइना ने एक डिसीजन लिया, चाइना ने क्रैकडाउन किया कि दे विल नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री. अब आप बोलेंगे व्हाई कंट्रीज आर नॉट अलाउइंग, इवन आरबीआई, इवन इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग, व्हाई इट इज सो? बिकॉज चाइनाज युआन, इंडियाज रूपी, दीज आर सेंट्रलाइज्ड करेंसी, दीज आर सेंट्रलाइज्ड करेंसीज. बट The cryptocurrency is decentralized because यहां पर क्या होता है, बिटकॉइन माइनिंग होती है by using very heavy specification of computers, laptop, or we can say mainframe computer, super computer like structures are mining the coin. और यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरी cryptocurrency वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है. व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? बहुत ही सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है. हैकिंग बिल्कुल नहीं होती ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जब भी हमारा डेटा किसी एक अलग अलग, देखिए न्यूरल नोड होते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली भी समझाया, मान लीजिए इंडिया चाइना में, मान लीजिए चाइना में 10 ऐसे अलग अलग जगह लोकेटेड कंप्यूटर्स हैं, दे आर हैवी इन स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर कॉन्फिग्रेशन बहुत बहुत पावरफुल होता है. और यहां पर जब ये मान लीजिए डेटा जाता है तो पहले इसके पास एक प्राइमरी की होती है, तभी ये डेटा अलाउ होता है. इसका मतलब पूरी तरह से सिक्योर चेन पर काम करता है. तो यहां पर क्या होता है, जब ये इतने पावरफुल लैप कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो यहां पर इलॉन मस्क जो टेस्ला मोटर्स के ओनर है, उन्होंने भी ये बोला कि ये वर्तमान में चाइना इंडिया जैसे देश जहां पर यदि बिटकॉइन माइनिंग हो रहा है, एक्चुअल में वहां पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट होती है. और अपने आप में ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है बिटकॉइंस.
आपको एक प्रश्न आ सकता है, why bitcoins are not environment friendly, why blockchain technology is not successful, not in favor of environment, तो ये प्रश्न दिया है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ये टेस्ला मोटर्स ने बोला। तो कुछ बिटकॉइंस, एथेरियम, बीएनबी है ना, अभी डॉज करेंसी खुद ही लॉन्च कर रहे हैं डॉज करेंसी को, तो बिटकॉइन कौन, इलॉन मस्क राइट। तो ओवरऑल 30% जो है डाउन देखा गया, और इसके पीछे क्या था, क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसी, चाइना ने पूरी तरह से अपने हैज बार्ड, पूरी तरह से बैन कर दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पेमेंट कंपनीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। इससे पहले 2017 में भी इन्होंने क्या किया, इसको बैन किया था, और किसी प्रकार की सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट कुछ भी अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कारण है क्रैश का, कि जो बीच में जो मल्टी बिलियनियर इलॉन मस्क जो हैं, तो यहाँ पर टेस्ला की भी एक कहानी सामने आई। उन्होंने बोला कि जब बिटकॉइन को माइन किया जाता है तो इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज मोस्टली जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल एंड दैट इज कोल। कोयले से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है आजकल, और इसीलिए इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन अगेन। तो ये अब तक का क्रैकडाउन जो है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक नॉट विद स्टैंडिंग। देखिए, एक तो ये कि हमारी करेंसी से कोई मतलब ही नहीं होता, एक नए प्रकार का गेम, मान लीजिए गेम लाया गया है, और वो अल्टीमेटली वो बिटकॉइन करेंसी के लिए, करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो हाउ द गवर्नमेंट, इसका मतलब तो ये है एक ब्लैक मार्केटिंग एक और नए स्केल पर पहुंच जाएगा। तो भारत ने भी इसे, बिटकॉइन 40% तक गिर गया राइट। तो यहां पर बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इट इज अ डिजिटल एसेट डिजाइन टू वर्क मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन इंडिविजुअल एंड कॉइन ओनरशिप। एक बात याद रखिए, यदि 60 लाख का बिटकॉइन है तो जरूरी नहीं है आपको 60 लाख में एक बिटकॉइन ही खरीदना है, आप 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख है ना, ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए 15 लाख का था पहले, तो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया उस समय, अब ये 60 लाख का बन गया, तो अगले कुछ साल में जो 15 से 60 लाख बनाए, यू विल गेन 1-4 लाख। लेकिन प्रेजेंटली इट इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस, बिकॉज लगातार चाइना को देखते हुए दूसरे देश भी क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर देंगे, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन जो हमारे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, इनका कोई मैच ही नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका कोई, एक तो ओनर का भी पता नहीं है, कौन ओनर है, कैसे चल रहा है, ये बस चल रहा है, कुछ भी पता, क्लियर कट बात अभी तक नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ई वे बिल, इनसे क्या होगा, देखिए फास्टैग आपको पता है, फास्टैग आजकल गाड़ियों में 15 फरवरी से अलाउड फिक्स कर दिया गया, 15 फरवरी से सभी की गाड़ियों में, और एक ये RFID होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन राइट। अब GST ऑफिसर्स को रियल टाइम पोजीशन का पता चल सकेगा कि गाड़ियां कहां मूव कर रही हैं, और 50,000 से ऊपर यदि कोई भी व्हीकल में एसेट है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए वैल्यू है, तो वहां पर ई वे को शो करना होगा। और इससे क्या होगा, यदि ई वे बिल होगा तो प्रॉपरली टैक्सेशन अप्लाई हो सकेगा एंड देर विल बी अ गुड टैक्स कलेक्शन। जबकि ये क्या कर लेते हैं, इवेड कर लेते हैं, अवॉइड कर देते हैं टैक्सेशन को। तो इन सबको क्या करा जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है फास्टैग RFID ई बिल्स को। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, देर विल बी नो लीकेज इन द रेवेन्यू एंड देर विल बी अ रियल टाइम आइडेंटिफिकेशन। ऐसा नहीं होगा कि रिसाइकलिंग हो जाए, नॉन जनरेशन ऑफ EWB ई वे बिल, ऐसा नहीं हो नॉन जनरेशन कर दिया। तो भारत की एक बहुत बड़ी कमाई है ना यहाँ से जो है मिल सकती है। तो मैंने आपको बताया 50,000 है ना से ऊपर, लेकिन यहाँ पर स्पेशली गोल्ड वगैरह की बात है ना, वो प्रेशियस आइटम को एग्जेम्प्ट किया जाता है इसमें, ये बात याद रखेंगे ठीक है। GST रिजीम को एक ताकत मिलेगी। तो भारत में 25 लाख गुड्स व्हीकल मूवमेंट देखा गया है 800 टोल्स में डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू के तौर पर जनरेट हो सकता है, और टैक्स ऑफिसर्स की मदद से प्रॉपर ऑडिटिंग और प्रॉपर टैक्स कलेक्शन। यदि प्रॉपर टैक्स कलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली है ना, एक तो विजिलेंस भी रहेगी, नज़र भी रहेगी किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
राइट, और दूसरा कलेक्शन विल बी गुड, देन नो डाउट इकोनॉमी विल बी रन फ्लॉलेस, है ना। अब बात आ रही है एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की, आपको पता होगा कि एक तो यहां पर आपको दिया है पार्शियल आइलैंड और एक है स्पार्टली आइलैंड। दीज आइलैंड आर इन साउथ चाइना सी एंड इट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, इट इज अ टग ऑफ वार इश्यू बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। चाइना सेज दैट इट्स आर, है ना। यहां पर वियतनाम से भी चाइना का बिल्कुल भी जो है एक संबंध अच्छा नहीं है, और आपको पता होगा कि हमने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को देने की भी कवायद शुरू कर दी है, पहला देश होगा। हम चाहते थे वियतनाम को, लेकिन वहां पर इतना फ्रेंडली नहीं बना, तो चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंड डिफेंसिव स्टेप उठा रहे हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका दूसरा नाम शीशा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पार्टले और पार्सल ये आइलैंड याद रखना साउथ चाइना सी में है, राइट। और देखिए ये 130 स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर बनाए, कोरल रीफ से मिलकर बनाए, ठीक है। और कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं आप मुझे बताएंगे, व्हाट आर कोरल आइलैंड्स और कोरल रीफ्स कितने प्रकार की होती है। ऑलरेडी बता रहा हूं तीन प्रकार की होती हैं। सो आपने जरूर एटॉल के बारे में सुना होगा, एटॉल टाइप के जो कोरल रीफ्स हैं वो हमारे जितने भी लक्षद्वीप हैं वो एटॉल प्रकार के। तो क्या है एटॉल, है ना, तीन प्रकार के जो आइलैंड है वो जरूर पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है और गैस रिजर्व्स भी है, अनएक्सप्लोर्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, और इसीलिए ये एक इंटरेस्ट बना हुआ है। एंड चाइना अपने, और यहाँ पर देखा क्या गया कि यूएस की शिप्स, यूएस की जो वारशिप है सेल्ड थ्रू द पार्सल आइलैंड। तो यूएस लगातार क्या कर रहा है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, जो चाइना का डोमिनेंस है उसको लगातार एक संदेश दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अब यहां पर बात आ रही है मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। ये देखिए एक इस तरह का कुछ मिशन है, ये टेट्राहेड्रल जो होता है, एक चार है यहां पर कुल मिला के, यहां पर स्पेसक्राफ्ट 1, 2, 3 और एक ये पीछे की तरफ। जैसे आप लोग कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखते हैं, किसमें यू विल सी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन डायमंड। तो लगातार क्या होता है, सन से लगातार प्लाज्मा आता रहता है, और इसी प्लाज्मा के कारण ध्यान रखना दोस्तों, इन मार्स व्हाट हैड हैपेंड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर, मार्स डू नॉट हैव वाटर बट प्रीवियसली इट हैड। व्हाई देयर इज नो वाटर नाउ प्रेजेंटली, बिकॉज द मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, मार्स मैग्नेटिज्म इज कोलैप्स्ड मेनी ईयर बिफोर, और वहां पर क्या हुआ, प्लाज्मा क्या होता है जब अर्थ में आता है तो मैग्नेटोस्फीयर के कारण प्लाज्मा जो है, जब प्लाज्मा सूर्य से आता है तो ये टकराकर ऐसे निकल जाता है, अर्थ के ऊपर प्लाज्मा नहीं आता जैसे मून पर प्लाज्मा आता है, याद रखना। इसीलिए मून पर हीलियम 3 नाम के स्पेशल नाभिक मौजूद हैं, और यही हीलियम 3, दीज हीलियम 3 आर इंपॉर्टेंट। और चाइना का जो चैंग E5 मिशन है वहां पर ये लोग इसे ही रिसर्च कर रहे हैं, ताकि भविष्य में न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, फ्यूजन के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, याद रखना हीलियम नाभिक को लाकर। तो चैंग E5 मिशन जो वहां से 2 किलोग्राम का मटेरियल लेकर आया। तो यहां पर क्या देखा गया, भारत के जो साइंटिस्ट है मिस्टर हरि कृष्ण, प्रोफेसर अमर काकड़ और प्रोफेसर भारती काकड़, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, कहाँ पर लोकेट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, इट इज लोकेटेड इन मुंबई, और ये लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर जो नासा का जो ये रोबोटिक स्पेस मिशन है, इसका नाम क्या है दोस्तों, मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन। तो यहाँ पर भारतीय साइंटिस्ट ने क्या बोला है, देखिए ये जो मिशन है वो पूरी तरह से नासा का है, रोबोटिक स्पेस मिशन है, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन में है और लगातार प्लाज्मा का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस इन अकर मैनी एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या होता है गाइस, प्लाज्मा इज द 4th स्टेज ऑफ द मैटर, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा, राइट। तो सन से लगातार प्लाज्मा आ रहा है,
सो दिस इज ऑल अबाउट इफ इट इज अर्थ, सूर्य से सन से आने वाले प्लाज्मा को अध्ययन कर रहा है ये. व्हाट विच मिशन ऑफ नासा? मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल. और यहां पर देखिए रिकनेक्शन, मैग्नेटिक रिकनेक्शन, एनर्जेटिक पार्टिकल. देखिए होता क्या है, पृथ्वी पर जो ये प्लाज्मा आता है ना, उससे हमारे GPS कम्युनिकेशन सिग्नल्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. तो चार बिल्कुल आइडेंटिकल स्पेस क्राफ्ट को टेट्राहेड्रल शेप में, है ना, पृथ्वी के मैग्नेटिक रीजन और उसको अध्ययन करने के लिए भेजा गया. देखिए 2018 में एक प्रश्न भी आया था, क्या पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिजर्व्ड फ्यू हंड्रेड थाउजेंड, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो रिवर्स्ड हुआ है एवरी. बिल्कुल सही बात है. देखिए कभी नॉर्थ पोल आपने देखा होगा, शिफ्ट देखा था एक मैग्नेटिज्म में, और वो रशिया की तरफ मूव हुआ, पहले कनाडा की तरफ था. एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा मूवमेंट चेंज होता रहता है. ऐसा सब क्यों हो रहा है? पृथ्वी के कोर में जो लिक्विड के मूवमेंट के कारण ही पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिज्म है. तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, है ना. यहाँ पर पूछा गया विच वन इज करेक्ट. व्हेन अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन. नो, नेवर. वहां पर ऑक्सीजन थी ही नहीं. ऑक्सीजन तो बहुत लेट आई है, शुरुआत में नहीं थी. सेकेंड पॉइंट इज इनकरेक्ट. तो ये गलत हो गया सेकेंड पॉइंट, ये भी गलत हो गया. अब या तो ए सही है या फिर सी सही है. व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमोसफेयर. यस, धीरे धीरे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, प्लांट आए, पेड़ आए, तब ऑक्सीजन का जनरेशन हुआ. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था. तो आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटोस्फेयर मैंने बता दिया, चारों तरफ पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर है एंड इट फॉर्म इंट्रैक्शन. और ये क्या होता है, जो सोलर विंड्स में जो प्लाज्मा आता है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंट्रैक्ट करता है और इसके कारण हमारे जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी. यस यस, चलो. सो MMS इसके स्पेस क्राफ्ट के बारे में ये तो भारतीय रिसर्चर्स ने क्या पाया है भाई, वॉट इंडियन रिसर्चर्स फाउंड. MMS spacecraft observed negative monopolar potential, electric field potential which can be visualized from single hummed pulse type structure. Scientist community suddenly recognized its importance and publications were presented. तो यहाँ पर जो है एक negative monopolar potential देखा गया. क्या है ये? कि Indian theory provide करेगी ज़्यादा better understanding of characteristic शेड ऑफ लाइट्स ऑन जनरेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर इंडियन जो फ्रेटर्निटी ऑफ दिस साइंटिस्ट, ये कुछ नए जो है इवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं. तो अनरैवलिंग नेचर्स ग्रेटेस्ट मिस्ट्री दैट कॉजेस फिनोमिना ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट किस प्रकार हो रहा है, हीटिंग किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इस पर जो है इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं. तो आपको ये जरूर याद रखना है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस जरूर आएगा कि MMS क्या है, है ना. व्हाट इज MMS, राइट. तो मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन जो है ये आपको जरूर याद रखना है. चलो, तो अभी देखिए इस पेंडेमिक के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि द ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया इज नॉट इट इज सक्सेसफुल प्रीवियसली, बट इन दिस पेंडेमिक एरा वी नीड स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी वेयर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स शुड बी गिवन द पावर टू रूल द कंट्री एज ए ब्यूरोक्रेसी. बट द जनरलिस्ट अप्रोच विल नॉट वर्क हेयर बिकॉज दे कुड नॉट हैव हैंडल द पेंडेमिक प्रॉपरली. सो यहां पर जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी वर्सेस स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा सामने आया है. दिस इज अ इश्यू. तो यहां पर देखिए आपको याद आ रहा होगा मैक्स वेबर ने वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, ये टर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना. ये द हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा था. सो प्रेफर्स अ जर्नलिस्ट ओवर स्पेशलिस्ट. हमने जर्नलिस्ट को प्रेफर किया हमेशा, लेकिन अब स्पेशलिस्ट का समय आ चुका है. जैसे वर्गीश कुरियन, जैसे MS स्वामीनाथन, जैसे नंदन नीलेकणी, जैसे सैम पेट्रोडा, और इसी तरह से भारत के टॉप डॉक्टर्स, जैसे अमेरिका में जिस प्रकार से फौची नाम के डॉक्टर हैं, उसी प्रकार से लीड ब्यूरोक्रेसी
पेंडेमिक को हैंडल करने के लिए उनको दे देनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं देखा गया। तो यहाँ पर प्रेफरेंस टू लीडरशिप ऑफ पोजिशन, और आप देखते होंगे आईएएस आर फार अहेड इन द प्रेसिडेंस देन डॉक्टर्स। सो यहाँ पर एक लैकिंग दिखाई दी, लैक ऑफ इनोवेशन दिखाई दिया, दे कुड नॉट हैव हैंडल दिस सिचुएशन प्रॉपरली एंड कोविड एक्सपोज लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी। तो हमारी जो ये जनरलिस्ट अप्रोच है यहाँ पर लैकिंग देखने को मिली, आप समझ गए होंगे। तो कोविड पेंडेमिक हैज एक्सपोज द वीकनेस ऑफ दिस सिस्टम, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु आर स्पेशलिस्ट हैव बीन मेड टू अंडर वर्क अंडर जनरलिस्ट, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में, एंड पॉलिसी ऑप्शन हैज बीन लेफ्ट टू द जनरलिस्ट। तो पॉलिसी ऑप्शन इनके ऊपर छोड़ दिया गया, व्हेन दे शुड बी इन द हैंड ऑफ स्पेशलिस्ट। सो जस्टिफिकेशन इज दैट जनरलिस्ट प्रोवाइड ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज कंपेयर टू स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं हमेशा, और यहां पर जो वेबेरियन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं लैकिंग दिखाई दिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वन मोर थिंग वी कैन डू, हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को, जो प्राइवेट एफिशिएंट लोग हैं, लेटरल एंट्रीज हैं, लेटरल एंट्रीज करवा सकते थे डायरेक्ट कि भाई अभी इस प्रकार के ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता है जो स्पेशलिस्ट हो। यस और नो, आई थिंक आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। सो यहां पर एक कोलेबरेटिव गवर्नमेंट की जरूरत थी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज मॉडल ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस। अब एक नए पब्लिक गवर्नेंस पर सोचने के का वक्त आ चुका है। सो वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस। अल्टीमेट हमारा मोटो ये नहीं होना चाहिए कि जनरलिस्ट ही लीड करें, अल्टीमेटली मोटो शुड बी वी शुड हैव पॉजिटिव रिजल्ट। नेटवर्क ऑफ सोशल एक्टर्स, प्राइवेट प्लेयर्स वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इस प्रकार का मिक्सिंग जो है देखा जाना चाहिए था, एमलगमेशन देखा जाना चाहिए था, और ओपननेस टू रिफॉर्म, और इस प्रकार के रिफॉर्म को ओपन करने की बात है, जिस प्रकार से मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए, सैम पेट्रोडा है ना, और लेटरल एंट्री अब होने की आवश्यकता भी है। तो कंक्लूजन ये कि न्यू पब्लिक गवर्नमेंस इज द फीचर ऑफ गवर्नेंस एंड एस्पेशली पब्लिक सर्विस डिलीवरी। यहाँ पर क्या है वेबेरियन मॉडल, देखिए मैक्स वेबर ने वेबेरियन मॉडल को जनरेट किया था, जो कि जर्मन सोशलिस्ट हैं, मतलब सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना, और इन्होंने ये बोला कि एक किसी भी देश में, किसी भी एम्पायर में, किसी भी स्टेट में एक एजेंसी होनी चाहिए जो अपॉलिटिकल हो, एक हायरार्कल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होना चाहिए, गवर्न्ड बाय फॉर्मल प्रोसीजर्स, बट दिस शुड बी नॉट ओनली जनरलिस्ट बट ऑल्सो दे मस्ट बी स्पेशलिस्ट ऑल्सो। और इससे क्या होगा, है ना, वेबेरियन में एलिमिनेट एंट्रेंच्ड पेट्रोनेज, ऐसा नहीं हो कि जो पहले से चला आ रहा है उसी रूढ़िवादिता को लेकर चलें, और रिड्यूस आर्बिट्रेरीनेस, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड लिमिट डिस्क्रिशन, जो डिस्क्रिशन जो हैं वो कुछ हद तक जो डिसेंट्रलाइज हो। तो इस प्रकार के एक ब्यूरोक्रेसी की बात की थी मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर आपके ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी। अगले आर्टिकल पे बात करते हैं, द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉल्ट लाइन का मतलब गलती कहां है पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुअर का मतलब क्या है गरीबों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक वर्ड आएगा आपके लिए इस पूरे आर्टिकल में, आउट ऑफ पॉकेट। और आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, देखिए पहले ही पुअर लोगों की दे डू नॉट हैव दैट मच सेविंग। नाउ इफ दे डू नॉट हैव दैट मच सेविंग एंड अ बिट सेविंग इफ दे विल इन्फ्यूज इन टू देयर हेल्थ स्ट्रक्चर, इफ पुअर आर इन्वेस्टिंग फॉर देयर मेडिकल सर्विसेज, इन दैट केस द पुअर स्टेट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरी तरह से कॉलेप्स्ड हो जाएगा। यस और नो, और गरीब के पास कुछ भी, इवन वो जो है जो केवल और केवल अपने राशन के लिए काम करता है, वो सब कॉलेप्स हो जाएगा। सो वर्ल्ड बैंक डेटा ने रिवील किया था कि भाई भारत की एक तो पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउट ऑफ पॉकेट समस्या भी है। तो देखिए एक तो यहां पर दो चीजें आएंगी, देखिए दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो दिस पेंडेमिक हैज एक्सपोज्ड इंडियाज पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल 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 डिटेरियोरेटेड है ना, हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, एटलीस्ट
2-4% जीडीपी यहां पर इन्फ्यूज होना चाहिए। दूसरा, जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी एक स्पेशल आर्टिकल है कि उनका आउट ऑफ पॉकेट खर्चा पिछले दिनों में बहुत ज्यादा हुआ है। तो देखिए भारत की पोजीशन देख लीजिए, ये फैक्ट्स आप कई जगह मेंस में आंसर राइटिंग्स वगैरह में लिख सकते हैं कि इंडिया में 85.7 फिजिशियन है पर लैक, जबकि आप देखिए पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी है, बांग्लादेश की नहीं है, श्रीलंका की अच्छी है, जापान इज फार अहेड। भारत में 53 बेड्स हैं पर 1 लाख, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान इज फार अहेड, सॉरी 63 अहेड, बांग्लादेश इज अहेड, श्रीलंका इज फार अहेड, जापान इज मच मोर अहेड इन एशियन नेशंस। और इसी प्रकार से नर्स एंड मिडवाइफरीज आर ऑल्सो नॉट द नंबर इज इफेक्टिव हियर, राइट। तो यहां पर दिस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज किया, देखिए स्टैग्नेंट एक्सपेंडिचर, स्टैग्नेंट का मतलब बिल्कुल रुका हुआ, देर इज नो इन्फ्यूज ऑफ मनी और वी कैन से जीडीपी। और इसके लिए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस सेडा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अशोका यूनिवर्सिटी शोज द हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज बीन स्टैग्नेंट फॉर ईयर्स, है ना, कई सालों से, और अब ये एक्सपोज हो चुका है। और बेस्ट रहे इनमें केरल और दिल्ली, ये बेस्ट टॉप स्टेट्स में रहे हैं, है ना। तो डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए लैक ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सपर्ट बॉडी रही भारत में, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, देखिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ड्यू टू द लो लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोविजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड 62% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज इंडिया इज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट इसका मतलब क्या है कि देखिए मान लीजिए 100 रुपए हैं, इफ आई एम अर्निंग एंड आई एम सेविंग 40 रुपीज एंड आई सेपरेटेड 10 रुपीज अमाउंट फॉर द हेल्थ एक्सपेंडिचर, बट दिस बिकेम 62% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, इट इज द हाइएस्ट, ये सबसे ज्यादा है दुनिया में भारत का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आप सोचिए कि हाउ विल द पुअर विल सर्वाइव इज इन नियर फ्यूचर, हाउ दे विल मैनेज, सो देयर मस्ट बी अ स्पेशल पैकेज फॉर द पुअर। और यहाँ पर आउट ऑफ पैकेट में पॉकेट जो इन्वेस्टमेंट हुआ है गरीबों का, द पुअरेस्ट स्टेट में सबसे वर्स्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा हैज द हाई रेशियो ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसके लिए भी नीति आयोग शुड हैव अ न्यू इंडेक्स सो दैट देर मे बी इम्प्रूवमेंट इन दिस इम्बैलेंस, है ना, ये जो इम्बैलेंस है अलग अलग स्टेट में उसको रिकवर किया जाए। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पर इंटर स्टेट वेरिएशंस हैं, इनको कवर करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य समाधान जो है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य स्कीम जो है उसमें अभी इसीलिए 22 एम्स को खोले जाने की बात कही गई है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज हमें आवश्यकता है कि यहां पर एक सजेशन आया था कि पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट होनी चाहिए डेडिकेटेड, है ना, नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट। नो डाउट हमने NDRF बनाया, बट NDRF ज्योग्राफिकल जो डिजास्टर्स होते हैं उनको हैंडल करता है। पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट जो कि पूरी तरह से मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर स्पेशलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, है ना। सो इट विल ऑल्सो फॉर्मुलेट द पॉलिसीज टू मिटिगेट द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए इवन इन द वर्स्ट टाइम इन 2007 ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी, जो लेमन ब्रदर्स के केस थे उसके, उस समय भी भारत में जो रिसेशन आया था वो इतना बड़ा नहीं था द वे वी हैड सीन इन दिस। सो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इससे। एज एंड वैन वी इमर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ पेंडेमिक, बॉल्स्टरिंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी टॉप मोस्ट। ये जो बिल्कुल पूरी तरह से पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेरिरेट हो रहे हैं, जो इम्प्रोवाइज नहीं है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर अब गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना होगा। देखिए हाल ही में आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है सेंट्रल विस्टा। वॉट इज सेंट्रल विस्टा? 2022 तक हम अपना एक नया पार्लियामेंट
वो रिक्वायर्ड भी है खैर, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट पर करने वाले हैं। और ऐसा सब कुछ होने के कारण क्या हो रहा है, रिसेंटली सेंट्रल इन्फॉर्म्ड दैट नो चेंज आर प्रपोज्ड एट नेशनल आर्काइव बिल्डिंग रिकॉर्ड्स में, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वहां पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, रिनोवेशन इनोवेशन या है ना वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उस सेंट्रल वेस्टा में ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट है उनका, कुछ भी कह लीजिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ वन रीजनल ऑफिस, तो यहाँ पर देखिए भोपाल में एक रीजनल ऑफिस है, एंड 3 रिकॉर्ड सेंटर्स भी हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, भुवनेश्वर, जयपुर एंड पांडिचेरी। तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1891, सबसे पहले कैलकटा में बनाइए, और यहाँ पर इंपीरियल रिकॉर्ड्स, ये क्या करता है देखिए, ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी लेटर्स थे उस समय पर, हिस्टोरिकल लेटर्स, उनको कलेक्ट करके एक रिपोजिटरी बनाता है, ताकि हमको हिस्टोरिकल इवेंट्स क्लियर हो सके। आपने यदि स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी होगी तो स्पेक्ट्रम में भी शुरुआत में बताया कि ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बहुत मदद करते हैं टू जनरेट अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द हिस्ट्री एंड द ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैड हैपेंड, राइट। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड, प्राइवेट पेपर्स, ओरिएंटल रिकॉर्ड, ओरिएंटल मतलब उस समय के रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स, ये सभी। अगला जो टॉपिक है वो है शांग्री ला डायलॉग, कहाँ पर होता है ये, इट इज इन सिंगापुर, और यहाँ पर 28 जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं इनके बीच में ये शांग्रीला। इसी प्रकार का भारत में जो रायसीना हिल्स आपको पता होंगी, पार्लियामेंट जाए तो रायसीना डायलॉग हम लोग भी करते हैं। तो इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम हेल्ड एनुअली, हर वर्ष होता है। फर्स्ट समिट जो हुआ था 2002 में बाय इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, कौन है इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये सिंगापुर में। और 28 एशिया पैसिफिक स्टेट्स एम टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एक पीसफुल एनवायरमेंट बना रहे, मिनिस्ट्रीज एंड मिलिट्री एंड प्रैक्टिकल कॉपरेशन रहे। सो इट कल्टिवेट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि जैसे हम लोग इस रीजन के क्षेत्र में एक शांति स्थापित हो सके, पीसफुल एनवायरमेंट रहे, डिफेंस सिक्योरिटी रहे। तो शांग्रीला डायलॉग ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, और सिंगापुर में ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजी स्टडीज के द्वारा किया जाता है, और गैदरिंग द एशिया पैसिफिक रीजन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड बी डे 20 मई को मनाया जाता है। इट वॉज दिस डे इन 1734 एंटोन जेंसा, ही वॉज द पाइनियर, ये प्रणेता थे जिन्होंने शुरुआत किया था बी कीपिंग को, है ना, आजकल आर्टिफिशियल बी कीपिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, जो है एक तो होता है एपियरी क्या होता है, एपियरी का मतलब मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपियरी होता है, एपिकल्चर कह लीजिए। तो यहां पर इस बार का जो थीम है 2021 का, ये याद रखना, बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, हमको अच्छा एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समय में स्टेटमेंट कहा था कि यदि 4 ईयर्स तक भी मधुमक्खियां नहीं रहती इस पृथ्वी पर तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉलिनेशन होता है, जो इतनी वैरायटीज हम लोग देखते हैं प्लांटेशन की, दैट विल नॉट बी पॉसिबल, एंड इसीलिए बीज एंड ऑल लोकस्ट वो पॉलिनेटर्स के तौर पे काम करते हैं। तो यहां पर भारत ने भी देखिए नेशनल बी बोर्ड बनाया है, और 500 करोड़ अलोकेट किए हैं बी कीपिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत, की लोकल लोगों तक पैसा पहुंचे। नेशनल बी कीपिंग मिशन भारत के द्वारा शुरू किया गया है, हनी मिशन, और हनी मिशन किसके तहत शुरू किया गया, देखिए आपने कई प्रकार के रेवोल्यूशन सुने होंगे, है ना, राउंड रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे स्वीट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हनी, है ना। और भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है, एक्सपोर्ट भी करता है ना, हाल ही में चर्चा में आया था कि हमने जो है हनी जो है शहद उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट देखने को मिली, और उसके लिए जो हम लोग क्या है सेल्यूलोज वगैरह है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं।
तो 2005-6 से हम लोग देखें तो प्रोडक्शन में 242% और एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत बड़ा है, राइट right? तो आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे. व्हाट इज माय लैब कोविसेल्फ, आप अपने लेवल पर RTRAT रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि जो है ना 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देगा, ये शुरुआत किया गया, सेल्फ टेस्टिंग किट है ये. SARS-CoV-2 को नेसल सैंपल स्वाब की मदद से आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं. इट वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड इन US, नाउ इट इज इन यूरोप, साउथ कोरिया, अब ये इंडिया में भी आ चुका है. भारत की जो पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसके द्वारा जो है ये डेवलप किया गया, ये पॉइंट याद रखना, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन. 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा. जहां RT-PCR टेस्ट की बात करें तो 4 से 5 घंटे लगते हैं, आर लगते हैं, है ना, ये बात याद रखें. देखिए रैट जो टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज को देखा जाता है स्वैब की मदद से, है ना. ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं माना जाता, ये भी बात याद रखेंगे, ये एक प्राइमरी टेस्ट के रूप में. लेकिन RT-PCR जो है, RT-PCR में क्या होता है कि जो कोविड का RNA है उसको DNA में कन्वर्ट करके हम लोग एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफाई करके अध्ययन करते हैं कि क्या परिवर्तन आया है या नहीं. सो दिस इज वॉट RT-PCR टेस्ट. और टोटल इस पूरे को होने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे सैंपल्स जा रहे हैं. तो अब घर पे ही लोग आसानी से कर सकेंगे. इसकी जो कॉस्ट है इट इज़ ₹250. 250 में ये आप किट आसानी से परचेज कर सकते हैं, कोविशेल्फ, ठीक है. तो इस प्रकार से 3 से 4 डेज का रिजल्ट लगता है RT-PCR में, 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा, ₹250 का ये किट होगा. रैपिड एंटीजन टेस्ट लेबोरेटरी में, देखिए RT-PCR जो है वो कॉस्टली होता है. देखिए यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होती है, समय भी ज़्यादा लगता है. दुनिया में ये इस प्रकार के चर्चा में विषय रहते हैं. कॉर्प्स फ्लावर, आपने एक नाम सुना होगा, रफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, वैसे कॉर्प्स फ्लावर ये 7 से 10 वर्ष में एक बार खिलता है और मतलब ब्लूम होता है. एंड इसका जो नाम है एमोरफोफेलस टाइटेनम, और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है. तो ब्लूम ओनली वंस इन एवरी 7 to 10 ईयर. आपको मुझे एक फूल है जो नीलगिरी का स्पेशल फ्लावर है, आप जरूर पढ़ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, उसके बारे में क्या स्पेशलिटी है अ फ्लावर रिलेटेड टू नीलगिरी. इट इज नेटिव टू इंडोनेशिया एंड एवरेज कॉर्प्स फ्लावर हैज लाइफ स्पैन अबाउट 3 to 4 decades. देखिए 30 to 40 years तक रहता है. ये एंडेंजर्ड प्लांट है 2018 में IUCN के लिस्ट के अनुसार. और इससे बहुत गंध, पंजेंट स्टेंच, जो बदबू आती है, मतलब बैड स्मेल आती है, ठीक है. व्हाइट फंगस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपको डिटेल में दूंगा. तो यहां पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, तो आप पॉज कर लीजिए. पहला प्रश्न ये है, राइट, पॉज कर लीजिए और आंसर दीजिए क्या होगा. तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, तो आप PDF को डाउनलोड भी कर लेंगे, है ना. ओमान इज बाउंडेड बाय यमन इन नॉर्थ वेस्ट एंड अरेबियन सी. नो, यहां पर सऊदी अरब से है नॉर्थ वेस्ट में, याद रखेंगे, अभी मैप दिखा रहा हूं. और जो मुसैंदम पेनिनसुला, ओमान टेरिटरी, लोकेटेड बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, बिल्कुल बिल्कुल ये मुसैंदम पेनिनसुला के बारे में बिल्कुल सही है, करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन इज गिवन हेयर, आपको मैप में पूरी तरह से दिखा देता हूं. देखिए यहां पर ये जो पेनिनसुला है, ये मुसद्दन पेनिनसुला, ये बिल्कुल ठीक है. और नॉर्थ वेस्ट की बात की थी, यहां पर सऊदी अरेबिया है, ये साउथ वेस्ट में लोकेटेड है यमन, याद रखेंगे. सो कैपिटल ऑफ यमन इज, है ना, कैपिटल ऑफ यमन इज साना एंड कैपिटल ऑफ ओमान इज मस्कट. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसको बार बार ईरान चोक करने की बात करता है, क्योंकि यहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है. फैजाड बी के बारे में मैंने आपको बताया था, फैजाड बी जिसका भारत एक्सप्लोर करता है, लेकिन उससे भारत का
ओएनजी विदेश लिमिटेड को हटा दिया गया। सेकेंड क्वेश्चन है, अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था, ये 76 रिसेंटली न्यूज में था, इट इज रिलेटेड टू अंटार्क्टिका। पॉज कर लीजिए आप, मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था, ये दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जो कि कहां पर है, अंटार्क्टिका में, टूट के गिरा। और किसने बताया था, जो हाल ही में कॉपरनिकस सेंटिनल वन मिशन है, इसमें दो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं नासा और यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, वेडल सी में ये ब्रेक हुआ और ये बहुत बड़ा एक आइसबर्ग है। देखिए, है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के साथ मिलकर भेजा गया है ये सेंटिनल। सो जाइंट आइसबर्ग ब्रेक ऑफ, करंटली द लार्जेस्ट बर्ग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये जो वेडल सी है, ये वेडल सी अंटार्क्टिका में इस लोकेशन पर है, ये बात आपको याद रख। देखिए, आइसबर्ग ए 74,320 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो जो ये पुर्टो रिको नाम का जो आइलैंड है, उससे कंपैरिजन कर लीजिए इसका साइज कितना बड़ा होगा। तो आई थिंक और ये पॉइंट हो सकता है आपको ज्योग्राफिकली आ जाए, द बर्ग स्टार्टेड टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम द रोन आइस शेल्फ। तो रोन आइस शेल्फ से 13 मई से टूटना शुरू हो गया था, ये वेडल सी है, रोन आइसलैंड आइस शेल्फ से टूटना शुरू हुआ। आई थिंक आपको सब कुछ चीज क्लियर हुई होगी, मैंने डिटेल में एक एक चीज कवर कर दिया, कोशिश की कि कम से कम समय में मैं कवर करूं मैक्सिमम चीजें। आपको एक्सटेंडेड वे में पढ़ना है, प्लीज गो थ्रू दी पीडीएफ। एनी सजेशन, प्लीज सजेशन पॉजिटिव होंगे, मैं डे बाय डे इनको इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं, जैसे जैसे आप लोगों के सजेशन आ रहा है, आई एम डूइंग अकॉर्डिंगली, मैक्सिमम कवरेज होता चलेगा। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, है ना, और अपना ख्याल रखें इस पेंडेमिक के दौरान, है ना। सो विल मीट सून, जय हिंद दोस्तों।